Vande Mataram, my dear students. Today we have start our unit 5 of standard 2 subject English. Bachcho, aaj hum padhenge unit 5 jisme humne section 2 padha tha. Usme hi aage hai listening and speaking. Usme hai let's listen and think. Hume sunna hai aur think karna hai aapko, sochna hai. Okay? Aaj ek story padhenge. Usme aapko sochna hai ki kya seekh milti hai. पढ़नी है ना सबको स्टोरी. चलो स्टार्ट करें. सबसे पहले है स्टोरी का नेम द पिकॉक एंड द क्रेन. पिकॉक यानी मोर, मोर एंड क्रेन, क्रेन यानी सारस. आज हम पिकॉक एंड क्रेन की स्टोरी पढ़ेंगे. ओके तो स्टार्ट करें. सबसे पहले है वंस देयर वाज अ फैंसीफुल पिकॉक दैट हैड अट्रैक्टिव फेदर. एक बहुत ही अच्छा मोर था, आकर्षक मोर था जिसके पास अट्रैक्टिव फेदर, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक पंख थे. वन डे ही मीट अ क्रेन. एक दिन वो क्रेन को मिलता है, क्रेन यानी सारस को मिलता है. द पिकॉक मॉक एट द क्रेन कलरफुलेस एंड डल फेदर्स. तो वो क्रेन को मिलता है तो उसके पास जो रंग नहीं है, वो तो क्रेन जो है वो व्हाइट कलर का होता है. यहाँ आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्रेन है, क्रेन जो है वो व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर का होता है. तो जो पिकॉक है वो कलरफुल होता है, तो वो क्रेन का मजाक उड़ाता है कि तुम्हारे पास तो कोई भी कलर नहीं है, बिल्कुल कलरलेस हो तुम. ऐसे करके उसका पंख का और उस कलर का मजाक उड़ाता है. And immediately spread his own colorful feathers for the crane to see and admire. और अपने colorful पंख को फैलाता है और क्रेन को कहता है कि देखो मेरे पंख कितने अच्छे हैं. ऐसे करके वो अपने पंख की तारीफ करता है. Look at my feathers, he boasts. वो कहता है देखो मेरे पंख कितने अच्छे हैं, कितने colorful हैं. ऐसे करके वो अपनी प्रशंसा करता है, अपनी तारीफ करता है. देखो ये पहले पैराग्राफ में क्या बताया है कि एक बहुत ही फैंसीफुल अट्रैक्टिव पिकॉक था, उसके पास अट्रैक्टिव फेदर्स थे. तो एक दिन वो सारस को मिलता है यानी क्रेन को मिलता है, तो क्रेन की मजाक उड़ाता है. मजाक उड़ाते उड़ाते कहता है तुम्हारे पास तो कोई भी कलर नहीं है, तुम तो कलरलेस हो, और तुम्हारे पंख तो देखो कितने कलरलेस है, कितने डल है. ऐसे करके उसकी मजाक उड़ाता है और अपने इमीडिएटली जल्दी से अपना पंख फैलाता है और क्रेन को बताता है कि देखो मेरे पंख कितने अच्छे हैं, तुम्हारे पास तो ऐसे पंख भी नहीं है. ऐसे करके अपने पंख की तारीफ करता है. आगे है, यहाँ पे देखो आपको पिकॉक और क्रेन दिखाई दे रहा है ना. ओके आगे है, दे शाइन लाइक द कलर ऑफ द रेनबो व्हाइल योर आर सो डल. मेरा जो पंख है वो तो रेनबो की तरह शाइन करता है, बहुत ही कलरफुल है और रेनबो की तरह शाइन करता है. तुम्हारे पंख देखो कितने डल है. ऐसा कहता है कौन? कहता है पीकॉक. द क्रेन रिप्लाइड वेरी सॉफ्टली. जो क्रेन है वो बहुत ही सॉफ्टली उसको आंसर देता है. दैट्स ट्रू बट आई कैन फ्लाई हाई अबोव. फिर क्रेन की बारी आती है तो क्रेन उसको बहुत शांति से समझाता है और कहता है हाँ तुम जो कह रहे हो वो सही है, तुम्हारे पंख बहुत ही कलरफुल है, तुम बहुत ही कलरफुल हो, मैं कलरलेस हूँ, लेकिन मैं बहुत ऊंचे तक उड़ सकता हूँ. तुम्हारी बात सही है कि तुम्हारे कलरफुल पंख है, तुम पूरे कलरफुल हो, मैं व्हाइट हूँ, लेकिन तो क्या हुआ, मैं बहुत हाई तक, बहुत ऊंचे तक उड़ सकता हूँ. आगे है, Among the cloud and the star, मैं बादलों और स्टार तक, उसके बीच तक उड़ सकता हूँ. मैं बहुत ऊंचे तक क्लाउड और स्टार वहां तक उड़ सकता हूँ. जहां पर क्लाउड और स्टार है वहां तक मैं उड़ सकता हूँ. I can see all the beauty of the world in all its glory. मैं पूरे दुनिया की ब्यूटी है, जो सुंदरता है वो मैं देख सकता हूँ. While you are live down here. और तुम यहीं पर रहते हो, जस्ट लाइक एनी अदर कोक. जैसे कि कोई कोक रहता है वैसे तुम तो यहीं पर रहते हो.
मैं तो पूरे वर्ल्ड को देख सकता हूँ, तुम्हारे पास इतने अच्छे कलरफुल पंख हैं तो क्या हुआ? मेरी तरह तुम हाई मतलब बहुत ऊंचे तक तो उड़ नहीं सकते हो। ऐसे कह के वो उसको शांति से समझाता है पिकॉक को। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? आपको इस स्टोरी में से क्या सीख मिलती है? टेक द अप्रोप्रिएट आंसर। आपको इस में अप्रोप्रिएट आंसर में आपको टिक करना है। पहला है बर्ड ऑफ फेदर फॉक टूगेदर। पहली जो है वो है पक्षियों जो होते हैं वो झुंड में एक साथ में होते हैं। ये सही है? नहीं, सारे पक्षी एक साथ में नहीं होते, अलग अलग होते हैं। दूसरा है फाइन फेदर डोंट मेक फाइन बर्ड। ठीक विशेषताएं होती है बर्ड में और वो ठीक पक्षी नहीं बनते, मतलब ठीक ठीक विशेषताएं पक्षियों में होती है, बर्ड्स में होती है, लेकिन वो पक्षी नहीं बनाते। तीसरा है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। तीसरा जो है वो सुनो, अच्छे से सुनना। जरूरत में ही काम आने वाला दोस्त सच्चा दोस्त होता है। ओके, तो ये दो दोस्तों की कहानी है। उसने क्या बोला, इस थर्ड वाली लाइन जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर है कि अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। जो जरूरत में काम आने वाला दोस्त होता है वही सच्चा दोस्त होता है। तो हम ये जो थर्ड वाला बॉक्स है उसमें हम टिक करेंगे। ओके, आगे है लैंग्वेज इन यूज। बच्चों आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, आपको ये स्टोरी घर पे सबको बतानी है। ओके, आगे है हमारा लैंग्वेज इन यूज। हमें लैंग्वेज में आता है ऑब्जेक्टिव, तो हम आज ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव में है इट इज अ वर्ड यूज विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और टू टेल द नंबर। यह एक शब्द है, इट इज अ वर्ड, एक शब्द है जिसका उपयोग हम नाउन नाउन यानी संज्ञा संज्ञा के साथ संख्या संज्ञा संज्ञा जो है उसको हम नंबर नंबर यानी संख्या को वर्णन करने के लिए बताने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ इस लाइन में क्या कहा है कि एक शब्द है, इट इज अ वर्ड, कोई एक शब्द है जिसका उपयोग हम संज्ञा जो है संज्ञा दर्शाने के लिए यानी कि नंबर को वर्णन करने के लिए बताने के लिए उसका हम उपयोग करते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है द लेजी बॉय वॉज पनिस्ड। यहाँ पे देखो द लेजी बॉय वॉज पनिस्ड, तो जो लेजी है वो हमारा है ऑब्जेक्टिव। क्या है? ऑब्जेक्टिव, द बॉय वॉज पनिस्ड। ओके, तो लेजी जो है द लेजी बॉय वॉज पनिस्ड, जो लेजी है वो हमारा है ऑब्जेक्टिव। ओके, दूसरा है मुंबई इज अ लार्ज सिटी। मुंबई इज अ सिटी, वो तो सबको पता है, लेकिन कैसा सिटी है? लार्ज यानी ये है नाउन, हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हम यहाँ पे नीचे अंडरलाइन करेंगे मुंबई इज अ लार्ज सिटी। ओके, आगे है हमारा बी, अंडरलाइन द ऑब्जेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। आपको यहाँ जो सेंटेंस है उसमें से ऑब्जेक्टिव ढूंढने है। ओके, सबसे पहले है ही हैज लिटल इंटेलिजेंट, जो लिटल है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। ओके, उसके बाद ही डिड नॉट ईट एनी राइस। एनी एनी जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा है देर आर नो पिक्चर इन दिस बुक। देर आर नो पिक्चर इन दिस बुक। ओके, तो दिस जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। मोस्ट बॉय लाइक क्रिकेट। मोस्ट बॉय लाइक क्रिकेट। मोस्ट बॉय क्रिकेट ऑब्जेक्टिव नहीं आता, क्या आएगा? लाइक आएगा। मोस्ट बॉय लाइक क्रिकेट। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। जो ऑफ द वीक है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। सानिया वून द सेकेंड
प्राइस जो सानिया है उसने कौन सा प्राइस जीता है, सेकंड प्राइस। तो सेकंड जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद सामने है एट, ही वॉज एबसेंट लास्ट वीक, ही वॉज एबसेंट लास्ट वीक। कौन से वीक में वो एबसेंट था, लास्ट वीक में। तो लास्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर ब्यूटीफुल गर्ल। तो जो ब्यूटीफुल है वो हमारा ऑब्जेक्टिव। माई अंकल लिव इन द नेक्स्ट हाउस, माई अंकल लाइव इन द नेक्स्ट हाउस। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो ऑब्जेक्टिव है। ओके समझ में आया। आगे है हमारा क्वेश्चन में सी, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड एंड मैच देम विद द राइट इमेज। यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे पिक्चर्स भी दिखाई दे रहे होंगे और जो यहाँ पे बीच में स्पेलिंग है वो उल्टे फुलटे है, तो हमें उसको सही तरीके से पहले लिखना है और जो उसके साथ जो मैच होता है, उस स्पेलिंग के साथ जो मैच होती है वो पिक्चर के साथ हमें उसे ज्वाइंट करना है। ओके तो सबसे पहले हम स्पेलिंग बनाएंगे यहां से। यहाँ पे होगा मंकी, एम ओ एन के ई वाई। आपको यहाँ पे नीचे देखिए, सबसे नीचे यहाँ पे मंकी दिखाई दे रहा है, तो हमें मंकी के साथ पिक्चर को और वर्ड को दोनों को मैच करना है। यहाँ पे मंकी है, मंकी के साथ हम यहाँ से ऐसे जो हमारा स्पेलिंग है उसको हम मैच करेंगे ऐसे। ओके दूसरा देखो, यहाँ पे दूसरा है जी ई आर टी आई, तो हमारा हो जाएगा टी आई जी ई आर यानी टाइगर। तो मंकी के सामने हमें टाइगर का पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो हम टाइगर का पिक्चर के साथ इस स्पेलिंग को मैच करेंगे। ओके उसके बाद है टी एल ई टी यू आर। अभी देखो यहाँ पे है टी यू आर टी एल ई टर्टल यानी यहाँ पे देखे कछुआ यहाँ पे ऊपर है, तो हम यहां से ऐसे ऊपर की तरफ कछुए के साथ मैच करेंगे। ओके उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए जी आई पी, तो क्या आएगा पी आई जी पिग। ओके पिग कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, तो हम यहाँ पिग को इस स्पेलिंग के साथ मैच करेंगे। उसके बाद है देखो यहाँ पे डी यू सी के, डी यू सी के एल आई एन जी डकलिंग, यानी जो डक का बच्चा होता है उसको डकलिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम उसको इसके साथ मैच करेंगे ऐसे। उसके बाद है देखो कौन सा स्पेलिंग बन रहा है, एम ओ यू एस ई माउस, तो माउस को उसके स्पेलिंग के साथ मैच करेंगे। उसके बाद है देखो यहाँ पे एक ही पिक्चर बचा है, कौन सा स्पेलिंग है, एलिफेंट ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट, तो हम एलिफेंट के साथ उसके स्पेलिंग को मैच करेंगे। ओके समझ में आया और मज़ा भी आया होगा। आज का वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।